नरेंद्र मोदी जी से ही कहना चाहती हूँ कि अमेरिका के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, आज से 2 साल पहले भी वो आए थे अपनी बेटी के साथ। आपको उनकी बेटी ने क्या कहा था पता मोदी जी? उसने ये कहा था कि एक हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर चाय वाला कैसे हो सकता है। आपने उसकी तो बात बहुत जल्दी सुन ली थी। अगर ताज मेरे जामिया का या एएमयू का स्टूडेंट आपसे कुछ ये बात कहता तो आप उसके सारे बाजार में गोली मार देते, है ना मोदी जी? मोदी जी कितने अफसोस की बात है जब मेरे बच्चे और मेरी बच्चियां आपको कुछ कहते हैं, अगर हम कुछ ऐसा डायलॉग बोलते हैं आपके खिलाफ तो आपको कितना बुरा लगता है। और आपके विदेशी मुल्क से लोग आके आपके मुंह पर कुछ भी कह जाते हैं, आप तो उनको कुछ कहते ही नहीं है। आपने एक शोले का डायलॉग सुना था? जब मैं छोटी थी मैंने एक शोले का डायलॉग सुना था। जब 50-50 कोस में बच्चा रोता है तो बच्चे की माँ क्या कहती है? गब्बर सिंह आता। पर मेरी सोच ये नहीं है, मेरी सोच ये 50-50 कोस में जब बच्चा रोता है तो बच्चे की माँ कहती है एएमयू जामिया जेएनयू डीयू के स्टूडेंट आते होंगे, चुप हो जा। मेरी सोच ये है मेरे अपने बच्चों के लिए। अब मैं एक माँ हूँ, अब मैं इन बच्चों की माँ हूँ। आप गोली मारने के लिए कहते हैं, चलिए गोली खाने के लिए मैं तैयार हूँ। मुझे शहादत का दर्जा मिलेगा। अब जो मेरे बच्चे मर चुके हैं ना उनको भी शहादत का दर्जा मिला है। इंशाल्लाह अपने वतन के लिए मरने के लिए तैयार हूँ। जब मैं मरूँ मेरे कब्र पे रखना, मेरे कब्र पे नाम लिखना हिंदुस्तान। जब मैं मरूँ मेरे कब्र पे लिखना हिंदुस्तान। जब मैं मरूं मेरे कब्र पे लिखना हिंदुस्तान। अब जब आपको हमने सत्ता में बिठाया था ना मोदी जी, समझे, आप हमारे वोटों से ही प्राइम मिनिस्टर बने। आपको कितने साल हो गए यहाँ पे प्रधानमंत्री की सीट पे बैठे बैठे? 6 साल। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, मेरे जामिया के स्टूडेंट, मेरे एएमयू स्टूडेंट, मेरे जेएनयू स्टूडेंट, मेरे डीयू के स्टूडेंट, एक बच्चे को एक हफ्ते के लिए अपनी सत्ता दे लो। जो आपने 6 साल में नहीं चला करा वो मेरा बच्चा एक हफ्ते में करके दिखाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह की जात पे यकीन है और अल्लाह की जात पे यकीन करके ही बोलूंगी, इसलिए कि मैं अपने अल्लाह की बंदी हूँ और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हूँ। इसलिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बता इज्जो मन तशाओ वतज़िल्लो मन तशाओ बेजिकल खैर। अल्लाह ताला कहता है जिसे चाहूंगा इज्जत दूंगा, जिसे चाहूंगा जिल्लत दूंगा, वो सब मेरे हाथ में। मोदी जी अब आपको जिल्लत की जिल्लत मिलने वाली है। जिल्लत खाते खाते आप मेरे ख्याल से सड़क पे आ गए और अभी आपको सड़क पे और आना है इंशाल्लाह। मेरा अल्लाह से वादा है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन फिल आखिरति हसनतन वकीना अज़ाबन नार वकीना अज़ाबन क़ब्र वकीना अज़ाबन दीन वकीना अज़ाबन हज वकीना अज़ाबन मीज़ान। अल्लाह ताला कहता है कि वतज़िल्लो इन तशाओ, मैं इज्जत देता हूँ, मैं जिल्लत भी देता हूँ। मुझे बंदा मुझसे कहता है अल्लाह मुझे दुनिया भी चाहिए, मुझे आखिरत भी चाहिए और मुझे अपना हिंदुस्तान भी चाहिए। मैं हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तान में रहने वाली एक बाशिंदी हूँ, अपने बच्चों की माँ हूँ, अपने शौहर की बीवी हूँ, अपने बहन भाइयों की बहन हूँ, अपने माँ बाप की बेटी हूँ। घर पड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जोर कितना बाज़ उसका दिल में। जय हिंद जय भीम जय भारत।